हेलो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षागढ़ में बच्चों हम लोग दो चार वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे और उसकी आज यहां पर अंतिम एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट करनी है इस एक्सरसाइज में कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें जो समीकरण दिए जा रहे हैं वो समीकरण वास्तव में रैखिक समीकरण नहीं है उनको हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाना है और फिर इसके बाद किसी भी बीज गणती से हमें इनको हल करना है बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है पहले केवल इतना करना है कि समीकरण जो दिए जाएं उनको पहले हमें रैखिक समीकरण बनाना है आसान बच्चों क्यों बताया आसान इसलिए कि आपने सारी विधियां पढ़ रखी हैं भाई प्रतिस्थापन भी पढ़ रखा है प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं विलोपन विधि से समीकरणों को हल कैसे करते हैं बजन विधि से समीकरणों को हल कैसे करते हैं मतलब ऑल ओवर जितनी विधियां हैं ना आप आपने सब कुछ पढ़ रखी हैं तो बस किसी ना किसी एक विधि का प्रयोग करते हुए हम समीकरणों को हल करेंगे पहले हम रैखिक समीकरण बनाएंगे और फिर इसके बाद इन समीकरणों को हल करेंगे ठीक है बिना किसी रुकावट बिना किसी अः कुछ और समझाए मतलब कुछ बेसिक नहीं समझाना सारी विधियां आपको समझा चुके कुछ भी नहीं करना है कुछ भी बिना रुकावट को हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स ठीक है बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहां पर अब देखते हैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स का पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहां पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा है ये पहला क्वेश्चन है यहां पर पहले क्वेश्चन में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ प्रश्न दिए गए हैं तो पहले प्रश्न का पहला भाग पहले देखते हैं यहां पर लिखा है एक बटे में दो एक्स प्लस एक बटे में लिखा है तीन बाई और यहां पर बराबर में दिया गया है दो ये आपका पहला इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन दिया गया है एक बटे में तीन एक्स प्लस में है एक बटे में दो बाई बिल्कुल ठीक और बराबर में यहां दिया गया है आपको यहां तेरह बटे में छह दिया गया है ठीक है यहाँ पर दो समीकरण हमें दिए गए हैं प्रश्न में पहले यह कहा गया है कि रैखिक समीकरण युग्मों में पहले बदलना है फिर इसको हल करना है ठीक है क्या करना है रैखिक समीकरण युग्मों में पहले इसको बदलना है भाई यहाँ पर यह रैखिक तो नहीं है रैखिक का मतलब होता है कि भाई जो चर है ना उस पर एक पावर होने चाहिए प्रत्येक पद पर जहां भी चर लिखा है उस पर एक घात होनी चाहिए बच्चों अगर ऐसा लिखा है तो क्या आप इसको एक्स की एक घात कहोगे Osionfish. यहां पर हम x की रेड एक घात कहेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो रेड एक पावर हो जाएगा तो इसको हम रैखिक नहीं कहेंगे रैखिक का मतलब एक पावर होनी चाहिए तो यहां पर भी देख सकते हो कि एक बटे में लिखा है इसलिए यहां पर ये x की जो घात है वहां यहां बटे में एक दिखाई दे रही है ऊपर एक अंश पे एक घात दिखाई देनी चाहिए ऊपर ले जाओगे माइनस की एक घात हो जाएगी इसी प्रकार बाई को ऊपर ले जाओगे माइनस का एक हो जाएगा मतलब ये समीकरण रैखिक नहीं है इनको पहले रैखिक बनाना है और फिर इसके बाद हमें किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करना है तो क्या करते हैं बच्चों ध्यान से समझना है इसको हम ऐसे रैखिक बनाते हैं कि एक बटे एक्स को तो हम यू मान लें और एक बटे बाई को अगर वी मान लिया जाए तो निश्चित रूप से ये रैखिक बन जाएगा देखो इनमें रख दें इनको इस प्रकार देखो पहला जो समीकरण है पहला वाला उसको पहले ध्यान दें यहां एक बटे दो एक्स जो लिखा है ना एक बटे में दो एक्स लिखा है जो उसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है एक बटे दो इंटू एक बटे एक्स बच्चों ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको एक बटे दो इंटू एक बटे एक्स वही एक का और गुणा कर लो कोई समस्या तो है नहीं एक बटे दो इंटू एक बटे एक्स इसको लिख सकते हैं ठीक है और यहां एक बटे एक्स को हमने यू माना है इसलिए इसको हम देखो यू लिख देते हैं सीधा डायरेक्ट काम करेंगे ठीक है एक बटे दो यू इसको ऐसे लिख दे प्लस का निशान लगाओ यहां देखो एक बटे तीन एक बटे बाई क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं देखो एक बटे तीन एक बटे बाई और एक बटे बाई को हमने वी माना है तो इसको हम वी लिख लेते हैं देखो ध्यान दें और बराबर का निशान लगाओ यहां पर दो लिख दें देखो ये प्रश्न बच्चों ये आपका समीकरण रैखिक समीकरण बन गया इस पर हम तीन नंबर डाल लेते हैं या फिर एक काम करो थोड़ा इसको और आगे हल कर लें थोड़ा इसको हल करोगे तो यहां पर दो और तीन लिखा है ना इसका एलसीएम आप लें इसको और सरलतम रूप में समीकरण बना ले दो एलसीएम आ जाएगा तो यहां से देखो दो का यहां भाग तीन बार तीन एकम तीन यू लिखना है प्लस तीन दूनी दो बार दो वी लिखना है बराबर का निशान लगाओ दो अपना ज्यों का त्यों बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास ये बन जाएगा इस प्रकार से तीन यू प्लस में दो बी बराबर में दो का यहां गुणान दो छक बारह यहां लिखना है बारह ठीक है अब देखिए आपके पास ये रैखिक समीकरण बन गया अच्छा सा रैखिक मतलब u और v में रैखिक समीकरण बन गया इसी प्रकार बिल्कुल दूसरे वाले समीकरण को बदलो इसी प्रकार बिल्कुल दूसरे वाले को बदलना है ये वाला भी ऐसा ही बदलना है देखो ध्यान दें समीकरण दो को बदलो कैसे बदलोगे देखो इसको क्या ऐसा लिख सकते एक बटी तीन इंटू एक बटी एक्स ध्यान से समझो एक बटे तीन है एक बटे एक्स क्या ऐसा लिख दें और एक बटे एक्स को हमने मान लिया है यू तो भाई हम इसको यू लिख लेते हैं एक बटे तीन यू हो गया ठीक है एक बटे तीन यू प्लस का निशान लगाओ बिल्कुल ठीक इसी प्रकार एक बटे दो और एक बटे बाई एक बटे बाई को हम वी लिख लेंगे और बराबर का निशान तेरह बटे में छ लिखेंगे अब बताओ यहां तक ठीक है अगर यहां तक ठीक है तो यहां भी देखो तो वही कंडीशन है छह एलशियम ले यहां पर तीन से दो बार कटेगा दो यू लिखना है प्लस इसी प्रकार तीन बी लिखना है बराबर का निशान लगाओ तेरह बटे छह जो कहते छह कैंसिल कर सकते हो बस यहां से ये समीकरण दो यू प्लस तीन बी बराबर में तेरह बन जाएगा मतलब ये समीकरण नंबर चार हो गया बच्चों यहां पर अब आप देखो बड़े सुंदर से समीकरण दिखाई दे रहे हैं तीसरा नंबर और चौथा नंबर समझो आपका प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है अब ये भी रैखिक समीकरण है ये भी रैखिक समीकरण है इन दोनों को हल करने का जो भी प्रोसेस अब तक आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कर सकते हो चाहे बजगुणन विद से लगा लो चाहे विलोपन विद से लगा दो चाहे प्रतिस्थापन विद से लगा दो जो भी आपको सरलतम दिखाई दे उससे आप हल कर सकते हो बच्चों यहां से मेरे ख्याल से हर प्रश्न को आप विलोपन विद से किया करो विलोपन विद से गलती होने के भी चांस कम होते हैं और सरल भी पड़ता है बिल्कुल तो विलोपन विधि क्या होता है एक पद को विलुप्त करना है एक चर को विलुप्त करना है U को विलुप्त कर दें अथवा V को विलुप्त कर दें विलुप्त करने का तरीका यह है कि जिसको हमें विलुप्त करना है उसके गुणांक को बराबर करना है ऐसे समझो मान लेते हैं V बराबर करना है V के गुणांक को बराबर करना है तो ये V विलुप्त हो जाएगा अगर U के गुणांक को बराबर कर दें U बराबर कर दें तो समझो फिर U विलुप्त हो जाएगा एक को हमें विलुप्त करना है जिसको विलुप्त करना है उसके गुणांकों को समान करना है यहां पर देखो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए चलो हम बी के बी को विलुप्त करना चाह रहे तो हमें बी के गुणांक बराबर करने होंगे कैसे करते हैं यहां पर दो है ना यहां पर दो का गुणा कर दें यहां तीन है ऊपर तीन का गुणा कर दें यहां पर वितक्रम इधर का इधर इधर का इधर गुणा कर देते हैं इस तरीके से हम यहां लिख दें समीकरण तीन में तो तीन का गुणा करेंगे और चार वाले में दो का यहां दो का गुणा कर दें यहां पर तीन का कर दें लिख दें यहां पर समीकरण तीन में समीकरण तीन में तीन का गुणा करेंगे तीन का तथा समीकरण चार में दो का गुणा करने पर दो का गुणा करने पर ठीक है दो का गुणा कर देते हैं यहां पर पहले वाले इस वाले समीकरण में तीन का पहले करो तीन का गुणा दोनों पक्षों में करना है यहां पर तीन का गुणा करोगे नौ यू हो जाएगा तीन का यहाँ गुणा करोगे तो तीन दूनी छह वी हो जाएगा तीन का यहाँ गुणा करोगे तो बारह छत्तीस हो जाएगा ठीक है यहां भी देखो वही काम करना है हमने बताया गुणा करना है का एक दो का दो का दो में गुणा दो दूनी चार यू लिखना है दो का यहाँ गुणा करोगे दो तिया छह वी लिखना है और बराबर का निशान तेरह दूनी छब्बीस लिखना है बताओ बच्चों इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कोई डाउट है क्या एकदम क्लियर हो रहा है सब कुछ बिल्कुल वैसे ही करना है केवल रैखिक बनाना सीख जाओ बाकी सब कुछ वही है कुछ भी नहीं नया करना है अब देखो बताओ यू हमने वी के गुणांक बराबर कर लिए हमें चिन्ह देखना है देखो दोनों के समान चिन्ह है यदि समान चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं विपरीत चिन्ह है तो जोड़ते हैं आपने अच्छे से ये बातें सब कुछ सीखी हैं यहां से क्या करते हैं इसको दोनों को घटा दें यहां लिख दें घटाने पर तो घटाने पर बच्चों ये माइनस हो जाएगा ये भी माइनस और ये भी माइनस देखो यहां इसको कैंसिल कर दें इसके बाद यहाँ नौ यू है चार यू घट जाएगा आपको लिखना है पांच यू बराबर यहाँ छत्तीस में से छब्बीस घटाओगे तो हमें दस मिलेगा u बराबर कितना होगा u बराबर दस बटे पांच लिख दें पांच एकम पांच पांच दूनी दस u बराबर दो इतनी बात ठीक है बच्चों u का मान दो आ गया u का मान दो आ गया आप देखो ध्यान दें u था क्या वास्तव में चलो बाद में देखेंगे जो भी था पहले U का मान हमने निकाल लिया अब इस U के मान को आप किसी भी समीकरण तीन नंबर में अथवा चार नंबर में रख दें तो हमें V का मान मिल जाएगा इसमें रख दें तीन में चलो U का मान समीकरण तीन में लिख दें ठीक है तीन में रखने पर अगर तीन नंबर में यहां रखेंगे देखो ध्यान दें तीन U U का मान दो लिखो भाई तीन U U का मान कितना लिखोगे दो प्लस यहां देखो दो बी जो का त्यों लिखना है बराबर में है लिखना है ठीक क्लियर बात है दो का तीन में गुणा छ होता है छ को इधर ले जाओगे तो यहां से हमें देखो दो बी बराबर में बारह माइनस छ लिखना है ये बारह है तो दो का तीन में गुणा च्य, इधर ले जाओगे माइनस का छह इसके बाद देखो और थोड़ा आगे दो बी बराबर में बारह में से छह घटाओ छ बचेगा और यहां से दो से भाग करोगे तो वी का मान तीन मिलेगा याद करो देखो ध्यान दें भाई ठीक है कि नहीं ये दो है ना दो यहां डिवाइड करोगे तो दो या है वी बराबर तीन आ गया यहां पर आपने देखा यहां पर आपने देखा u बराबर हमें दो मिला है और यहां पर आपने देखा v का मान तीन मिला है बस u और v के मान हमें नहीं चाहिए हमें तो x और y के मान चाहिए बच्चों तो जो हमें प्रश्न में दिए गए चर उन चरों के मान ज्ञात करना समीकरण का हल कहलाता है तो अभी ये हल नहीं है हमें u और v का मान चाहिए ही नहीं हमें तो x और y का मान चाहिए हम यहां पर यू जो हमने माना है उसको रख दें देखो ध्यान दें आपको यहां पर क्या लिखना है चूंकि U बराबर यहां पर देखो दो, दो हमने निकाला है U का मान यहां कितना है U बराबर एक बटी एक्स है बस U का मान एक बटी एक्स लिखे बराबर में दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दो एक्स बराबर एक मिल जाएगा जबकि X का मान एक बटे दो मिलेगा ये है बच्चों ठीक है x बराबर एक बटे दो किसी को कोई डाउट नहीं x का मान हमने निकाल लिया अब इसके बाद में यहां देखो v जो है ना उससे हमें y का मान मिल जाएगा यहां पर लिखना है आपको v का मान तीन v बराबर तीन है ना तो v का मान देखो कितना है v बराबर है एक बटे बाई वी का मान एक बटे बाई लिखोगे बराबर में तीन बस क्रॉस मल्टीप्लाई यहां भी कर दें तीन बाई बराबर एक लिखना है बाई बराबर कितना हो जाएगा एक बटे तीन ये हो गया बच्चों आपका एक्स और बाई का मान अर्थात इस समीकरण का हल हो गया बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है एकदम सारे आसान है बस केवल और केवल यहाँ समझना है पहले इनको रैखिक कैसे बनाना है इतनी बात समझनी है हर प्रश्न में बाकी तो सारा कुछ आपने सीखा है बिल्कुल एकदम हलुआ तरीके से सब कुछ हो जाएगा बस केवल रैखिक बनाना सीखना है बाकी इस पूरी एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स में नया कुछ नहीं करना है ठीक है तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा आगे बढ़े दूसरा प्रश्न देखो भाई बच्चों यहां पर जो दूसरा प्रश्न है एकदम इससे भी आसान देखो इससे भी आसान है दूसरा प्रश्न इसका दू, दूसरा भाग है जो वो आपका इससे भी आसान है देखो कैसे करना है एक दो प्रश्न करोगे तो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर इसके बाद आपको आत्मविश्वास हो जाएगा कि भाई हम सब सभी सवालों सब, को पहले रैखिक बना सकते हैं और फिर इसके बाद इसके बाद इसको हल कर सकते हैं यहां देखिए इसका दूसरा भाग जो है वो क्या कहता है भाई दूसरा भाग इसका ये है कि समीकरण दिया गया है दो बटे में अंडर रूड एक्स बिल्कुल ठीक है दो बटे अंडर रूड एक्स प्लस में तीन बटे में अंडर रूड बाई दिया गया है बराबर में यहां दो एक समीकरण तो ये है दूसरा समीकरण दिया गया है चार बटे में अंडर रूड एक्स और प्लस में माइनस में है नौ बटे माइनस में है नौ बटे अंडर रूड बाई और बराबर में यहां माइनस का एक दिया गया है आपका समीकरण नंबर है ये दो ठीक है पहले हमने वही प्रोसेस बताई भाई इसको पहले रैखिक बनाओ पहले रैखिक बनाना अभी रैखिक है ही नहीं क्यों नहीं है आप देख सकते हो यहां पर बटे में रूट एक्स लिखा है तो रूट का मतलब तो आपको पता है किसी भी चार एक्स पर अगर रूट है तो इसका मतलब एक्स पावर एक बटे दो और ये तो वास्तव में एक बटे में लिखा है तो इसका मतलब एक बटे अंडर रूट एक्स हो जाएगा एक बटे में एक्स पावर एक, एक बटे दो हो जाएगा इसको ऊपर ले जाओगे इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो यहां पर एक्स पावर माइनस एक बटे दो होगा बच्चों ये रैखिक नहीं है रैखिक के लिए एक्स की एक घात चाहिए यहां पर एक्स की एक घात नहीं है इसलिए इसको क्या कहोगे ये रैखिक समीकरण नहीं है अभी पहले इसको रैखिक में बदलना है पहले क्या करना है रैखिक में बदलना है तो अब हम यहां पर बिल्कुल प्रश्न नंबर एक की भांति x बराबर जो x बटे में लिखा ना अंडर अंडरवुड एक्स इसको हम u मान लें एक बटे अंडर अंडरवुड एक्स को हम यहां u मानेंगे और इसी प्रकार एक बटे अंडर अंडरवुड वाई को हम यहां पर भी मानेंगे ठीक है और बस यहां पर इन मानों को पहले वाले समीकरण में रख दें तो आपका ये रैखिक बन जाएगा फिर दूसरे वाले में रखेंगे तो दूसरा वाला रैखिक बन जाएगा फिर इसके बाद इनको हल कर लेना है बिल्कुल सिंपल तरीका से देखो ध्यान दें इसको देखो क्या इसको दो इंटू एक बटे अंडरवुड एक्स लिख सकते हैं, दो इंटू एक बटे अंडरवुड एक्स लिख सकते हैं और ये एक बटे अंडरवुड एक्स को हमने देखो यू माना है बच्चों तो इसको हम यहां इसी स्टेप पर लिख लेते हैं टू यू हो जाएगा फिर प्लस का निशान लगाओ यहां भी देखो ध्यान दें तीन इंटू एक बटे अंडरवुड बाई लिख सकते हैं तीन तो ऊपर है और एक बटे अंडरवुड बाई इसको हमने वी माना है तो इसको लिख देते हैं v और बराबर में यहां दो लिखा है बच्चों यहां दो जो का त्यों आप इसको तीन नंबर डाल ले बिना किसी समस्या के आपको देख रहा है बिल्कुल एकदम ये रैखिक बन गया बन गया रैखिक कि नहीं इसको भी हमें रैखिक बनाना है इसी प्रकार बिल्कुल देखो ध्यान दें यहां लिखा है चार और फिर इसके बाद एक बटे अंडरवुड आप एक्स लिख सकते हो उसको चार ऊपर है बटे में एक बटे अंडर अंडरवुड एक्स इसको देखो आप ध्यान दें इसको हमने यू माना है तो ये हमारा हो जाएगा चार यू माइनस का निशान लगाओ और यहां पर बिल्कुल ठीक नौ इंटू एक बटे अंडर उठो इसको ऐसे लिख दें और एक बटे अंडरवुड बाई को क्या लिख सकते हैं वी यहां पर इसको हम वी लिख दें यहां पर वी लिख दें और बराबर में आगे देखो माइनस एक लिखना है ये आपका हो गया अब अगला इक्वेशन मान लेते हैं चार ये दोनों समीकरण बिल्कुल आपको देख रेख रेखिक रेख, रेख दिखाई दे रहे हैं किसी का कोई डाउट वाली बात नहीं अब जब रैखिक हो गए तो बस पहली वाली विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए हम U और V के मान ज्ञात करेंगे फिर U और V के मानों को हम यहां पर बदल के X और Y के मान ज्ञात कर लेंगे देखो क्या कर दे अगर मान लेते हैं यहां V बराबर करना है अगर V बराबर करना है तो आप देखो यहां पर कितना है यहां पर ये नौ है यहां पर ये तीन है तो बच्चों हमें यहां तीन का गुणा करना पड़ेगा इसमें किसी का ना करें कोई गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां अगर तीन का गुणा हो जाएगा तो तीत का नौ बी नौ बी आपका ये हो जाएगा दोनों गुणांक बराबर हो जाएंगे तो आपको क्या करना है यहां लिख देते हैं यहां लिखेंगे समीकरण समीकरण तीन में तीन का गुणा करेंगे तीन का गुणा करने पर तीन का गुणा कर दो बच्चों यहां पर देखो पूरे समीकरण में तीन का गुणा करो तीन का यहां गुणा करोगे तो तीन दूनी छ छू हो जाएगा प्लस तीन का यहां गुणा करोगे तीन का नौ वी हो जाएगा बराबर तीन का गुणा यहाँ करोगे तो तीन दूनी छ हो जाएगा ये इसको इसको चलो और नया नंबर पांचवा डाल लेते हैं और इसके नीचे ये चौथा वाला इसी समीकरण को यहां रख दें चार यू माइनस नौ वी बराबर में माइनस का एक इसका नंबर है आपका चौथा इनको अब हमें हल करना है कैसे क्या करना है भाई जोड़ दें क्यों जोड़ेंगे क्यों जोड़ेंगे हमने जो v बराबर किया है उसका आप निशान देखो प्लस है ये माइनस है तो अगर विपरीत चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं अगर समान चिन्ह होता है तो घटाते हैं यहां पर विपरीत चिन्ह है इसलिए इसको जोड़ दिया इसको देखो कैंसिल ये प्लस का नौ बी ये माइनस का नौ बी जब जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा इसको खत्म कर दें और इन दोनों को जोड़ने पर देखो दस यू मिल जाएगा और यहां देख सकते हो छह में से एक घटाओगे तो यहां पर पांच मिलेगा ठीक अब u बराबर करोगे दस से भाग हो जाएगा इसको चलो आगे वाले यहां पर आते ठीक है यहां देखो u बराबर कितना मिलेगा u बराबर हो जाएगा पांच और बटे में दस लिख दें पांच एकम पांच पांच दूनी दस u का मान एक बटे दो हो गया U का मान एक बटे दो चलो यहां लिख देते हैं U बराबर एक बटे दो ये हो गया U का मान ठीक है अब हमें क्या करना है U के मान को तीसरे या चौथे समीकरण किसी में भी रख दें U का मान हम यहां लिख दें U का मान समीकरण तीन में रखने पर समीकरण तीन में रखने पर तीन नंबर में रख दो भाई इसको यहां रखोगे तो देखो दो u का मान लिखना है एक बटे दो देखो तो दो यू यू का मान एक बटे दो लिख दें प्लस तीन बी हमारा जो का त्यों रहेगा बराबर में दो लिख दें यहां देख सकते हो दो और दो ये डिवाइड में है ये गुणा में है भाग में है कट जाएगा तो यहां से एक बचा भी इस एक को इधर ले जाओ यहां देखो तीन बी बराबर दो माइनस का एक ये प्लस एक है ना इधर जाएगा माइनस का एक हो जाएगा और यहां से तीन बी बराबर अब हमें एक मिल रहा है और v का मान एक बटे तीन मिल गया देखो यहां v का मान हमने निकाल लिया यहां u और v दोनों के मान देखो हमें मिल गए अब अब हमें x का मान निकालना है तो आपको यहां लिखना है चूंकि जब u हमने निकाला है इसका मान कितना है एक बटे दो है और u जो हमने माना है उस u की वैल्यू को हमें एक बटे अंडरवुड एक्स लिखना है यू बराबर कितना लिखना है एक बटे अंडरवुड एक्स बराबर एक बटे दो बच्चों अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अंडर अंडरवुड एक्स का मान कितना हो जाएगा दो एक कम दो हो जाएगा अब हमें क्या करना पड़ेगा बताओ क्या करना पड़ेगा अगर वर्ग मूल है तो इसको हटाना है तो दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा लिख दें यहां वर्ग करने पर और जब वर्ग करोगे तो अंडर अंडरवुड एक्स इसका वर्ग कर दें इधर दो है इसका वर्ग कर दें तो अंडर अंडरवुड एक्स का वर्ग करोगे बच्चों पूरा एक्स मिलता है यहां दो का वर्ग करोगे तो चार मिल जाएगा तो इस तरीके से देखो x का मान हमें मिल गया मिल गया कि नहीं इस तरीके से x का मान मिल गया अब देखो y का भी मान इसी प्रकार मिल जाएगा यहां पर देखो y जो है ना वो कैसे मिलेगा देखो v का मान देखो v का मान हमारे पास है एक बटे तीन अब v का मान लिख दें v बराबर एक बटे उड़ बाई है v का मान लिखेंगे एक बटे अंडरवुड बाई बराबर का निशान लगा दो एक बटे तीन हमारा जो का त्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंडर वुड बाई बी एकम तीन ठीक है दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहां लिख दें वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो निश्चित रूप से यहां पर अंडरवुड बाई और इसका जब वर्ग करोगे इधर बराबर तीन इसका भी हम वर्ग करेंगे अंडरवुड बाई का जब वर्ग करोगे पूरा बाई हो जाएगा तीन का वर्ग यहां पर नौ हो जाएगा तो यहां हमने x और y दोनों के मान ज्ञात किए हैं x बराबर चार बाई बराबर नौ जो कि इस समीकरण का हल है बताओ बच्चों किसी को कोई डाउट है क्या बिल्कुल हमने बताया आपको केवल और केवल रेखे के समीकरण बनाना यदि आ गया तो फिर आपको यहां मेरे ख्याल से फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई ये समीकरण तो पहले से भी हम कर रहे थे ना कर रहे थे हर एक्सरसाइज में हमने किए हैं यहाँ पर हर प्रश्न को हम एक ही प्रोसेस से कर रहे विलोपन विधि से कर रहे हैं आपसे कुछ कहा नहीं गया है किस विधि से हल करना है तो जो भी विधि आपको सरलतम दिखाई दे उससे हमें हल करना है ठीक है तो यहां पर हम हर प्रश्न को विलोपन विद से हल कर रहे हैं एक एक चर को विलुप्त करना है या यू को विलुप्त करना है या बी को विलुप्त करना है तो विलुप्त करने के लिए हमने बताया गुणांक बराबर करना है यहां पर हमने वी के गुणांक बराबर करने के लिए यहां तीसरे वाले समीकरण में क्या किया तीन का गुणा कर दिया तीन का गुणा यहां तीन का गुणा यहां तीन का गुणा यहां और इस वाले समीकरण को हमने इससे जोड़ दिया जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया दस और यहां पर पांच u बराबर कितना हो जाएगा दस बटे दस बटे पांच दस सॉरी पांच बटे दस मतलब एक बटे दो यू बराबर एक बटे दो यू का मान हमने इस नंबर तीसरे वाले में रखा है तो हमें बी का मान मिल गया अब यू और बी के मान हमें नहीं रखने हमें तो एक्स और वाई के मान रखने हैं तो जो u है वो एक बटे दो है तो यू बराबर एक बटे दो यू को हमने क्या माना था एक बटे अंडरवुड एक्स माना था बराबर में एक बटे दो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अंडरवुड एक्स बराबर दो हो जाएगा अब हम दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग कर दें क्योंकि वर्ग मूल आया ना वर्ग मूल को खत्म करना है तो हमें क्या करना है वर्ग करना पड़ेगा अंडरवुड एक्स का वर्ग पूरा एक्स मिल जाएगा दो का वर्ग करोगे तो दो का वर्ग चार मिलेगा तो यहाँ इस तरीके से एक्स का मान मिल गया बिल्कुल ठीक सेम यहां पर बाई का मान ज्ञात करने के लिए वी का मान एक बटी तीन हमें पता कर लिया है तो भाई वी का मान रख देते हैं एक बटी अंडरवुड बाई ब एक बटी तीन और यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अंडरवुड बाई बी वर्ग कर दें अब इसी प्रकार जैसे हमने यहां वर्ग किया है वैसे यहां भी दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा तो अंडरवुड बाई का जब वर्ग करोगे तो बाई पूरा बाई तीन का वर्ग करोगे तो नौ मिलेगा एक्स बराबर चार बाई बराबर नौ इस समीकरण का हल है ठीक है बच्चों उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है आगे बढ़े जल्दी से इसको नोट करें चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पर हर प्रश्न में यही कहा गया है कि भाई पहले समीकरण को रैखिक बनाओ और फिर इसके बाद इसको हल करें जल्दी से नोट करें बच्चों तब तब तक केस में थोड़ा डाल लें इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आता है देखो तीसरा प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है हमें पहले इसको रैखिक बनाना है और इसके बाद फिर हल करना है हर प्रश्न में ऐसा ही है रैखिक पहले बनाओ फिर इसको हल करो हल करने के लिए कोई भी विधि यूज कर सकते हो चाहे प्रतिस्थापन विधि हो सकती है या विलोपन विधि हो सकती है या वजुणन विधि हो सकती है लेकिन हमने बताया आपको एक ही विधि करनी है विलोपन विधि से सब प्रश्न बड़े आराम से हल होंगे यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है इसमें यहां पर एक ये पहला समीकरण है चार बटे में एक्स और प्लस में ये है तीन बाई बराबर में यहाँ लिखा है चौदह ये आपका एक पहला इक्वेशन है दूसरा यहाँ पर है तीन बटे में एक्स और ये माइनस में चार बाई और ये बराबर में तेस दिया गया है ये दूसरा है बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी बात बदली हुई लग रही है लग रही ना बदली थोड़ी सी बात बदली है क्या बदली है केवल और केवल एक चर है ना ये रैखिक नहीं है ये तो रैखिक है भाई एक पावर है एक पावर है रैखिक है ये वाला पद हमारा रैखिक है लेकिन ये जो बटे में x लिखा है ये वाला पद रैखिक नहीं है इसको भी रैखिक बना दो इसको अब कुछ नहीं करना है ये तो रैखिक है इसको हम क्यों बदले यहां केवल पहले वाले पद को रैखिक बनाने के लिए हमें बदलना पड़ेगा एक बटे एक्स को हमें यू मानना है इसको नहीं मानना है, कुछ भी नहीं मानो ये तो रैखिक है ना तो एक बटे एक्स बराबर यू मानोगे तो ये हमारा देखो पहला सवाल जो इक्वेशन है वो इस प्रकार बदल जाएगा देखो ध्यान दें यहां लिखा है चार इंटू एक बटे एक्स क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं देखो ध्यान दें चार ये लिखा है और एक बटे एक्स तो चार इंटू एक बटे एक्स हो जाएगा और एक बटे एक्स को हमने माना है यू तो बस यहां पर चार यू लिखना है आगे प्लस का तीन भी हमें ज्यों का त्यों रखना है बराबर में चौदह को ज्यों का त्यों रखना है चलो इस पर एक नया नंबर तीसरा डाल देते हैं और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इसको भी बदलो यहां तीन बटे एक्स लिखा है तो तीन इंटू एक बटे एक्स लिख सकते हैं और एक बटे एक्स को हम क्या लिख दें एक बटे एक्स को हम यू लिख लें तो इसको हम यू लिख लेते हैं देखो तीन यू हो जाएगा माइनस चार बाई हमारा जो का त्यों बराबर में तेस भी का त्यों तो इस तरीके से ये चौथा नंबर हो गया अब बच्चों यहां पर वही पुरानी वाली विधियां पुरानी वाली विधियां मतलब इसको विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि जिससे करना चाहो यदि हमने बताया कि भैया हम तो विलोपन से करते हैं तो जब विलोपन से करोगे तो हमें बराबर 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 करना है, एक्स बराबर, ये यू बराबर करना है है अथवा ये करना है तो ऊपर वाले में चार का गुणा करो नीचे वाले में तीन का गुणा कर दो ये तीन का गुणा करो ऊपर चार का गुणा कर दो ठीक है कि नहीं बस यहां इस तरीके से लिख दें समीकरण क्या लिख दें समीकरण तीन में चार का तथा समीकरण चार में तीन का गुणा करने पर ठीक है गुणा करने पर कर देते हैं गुणा ध्यान से समझो इसमें गुणा करना है पूरे समीकरण में चार का चार का गुणा चार में सोलह सोलह यू लिख दें प्लस चार का तीन में गुणा चार तीन बारह बाई लिख दें बराबर चौदह चौको छप्पन लिख दें चौदह का गुणा चार में छप्पन अब यहां देखो तीन का गुणा कर दें तीन त्र का नौ यू लिखना है ती, तीन का गुणा चार में देखो तीन चोको बारह वाई लिखना है बराबर में तेस का तीन में गुणा करना है तीन तरह का नौ तीन दूनी छह यहां पर उनहत्तर लिखना है ठीक है बस इनको जोड़ दें क्या करना है जोड़ दें यहां से जोड़ने पर हमें ये बारह बाई प्लस का और माइनस का बारह बाई कैंसिल हो रहा है तो अब इनको जोड़ो भाई सोलह और नौ पच्चीस यू लिखना है और बराबर में इधर जोड़ के लिख दें नौ छः पंद्रह हासिल में एक और ये आपका जय ग्यारह और एक बारह पच्चीस से डिवाइड कर दें तो U बराबर हो जाएगा 125 और बटी में 25 करोगे तो 25 पंचे 125 होता है तो U का मान देखो पांच हमें मिल रहा है U बराबर पांच इतनी बात ठीक है अगर ठीक है तो U का मान रख दो चलो U का मान बाद में रखेंगे U बराबर पांच हमें रखना है समीकरण नंबर तीन में ठीक है U का मान U का मान हम कहा रखेंगे समीकरण तीन में रख दें या चार में भी रख सकते हो वो आपकी मन है U का मान समीकरण तीन में रखने पर अगर यहां देखो तीन नंबर में रखेंगे इसमें रखेंगे हम तो देखो चार हमारा ठीक है U का मान लिख दें पांच तो ये हो जाएगा चार गुणे पांच ठीक है चार U चार इंटू यू और यू का मान कितना लिखोगे पांच लिखोगे प्लस तीन बाई हमारा ज्योका त्यो रखना है बराबर का निशान लगाओ और यहां पर आपको चौदह लिखना है ठीक है क्लियर बात है इसमें देखो चार और पांच का गुणा पांचों को बीस इधर ले जाओ तो इस तरीके से यहां पर तीन बाई बराबर में हमें चौदह माइनस का बीस मिल जाएगा ये बीस है ना पांचों को बीस बीस को इधर ले लेगा माइनस का बीस ठीक है यहां से आप देख सकते हो तीन बाई बराबर में चौदह में से बीस घटाओगे तो यहां से हमें छह मिल जाएगा अब बच्चों तीन से भाग कर दें तो बाई का मान यहां हो जाएगा बाई बराबर माइनस छ बटे तीन मतलब बाई बराबर माइनस दो ठीक है तो बाई का मान हमने माइनस दो निकाल लिया इसमें तो कोई समस्या ही वाली बात नहीं है बस इसके मान जो हमें यहां पर यू का मान मिला है यू बराबर जो पांच मिला है बस इसको बदलना है क्योंकि u का मान कितना है पांच है अब u बराबर हमने एक बटे एक्स माना है तो बस u को हम एक बटे एक्स लिखेंगे बराबर में पांच लिख दें क्रॉस मल्टीप्लाई करें पांच से एक एक पांच एकम पांच एक्स बराबर एक एकम एक तो बस एक्स का मान एक बटे पांच यहां मिलेगा ठीक है एक्स का मान मिल गया एक बटे पांच बाई का मान माइनस का दो मिला ये हमारा इस समीकरण का हल है हो गया क्लियर एकदम क्लियर किसी को कोई डाउट नहीं चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद बच्चों हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर चार पर देखो चौथा प्रश्न क्या आया है देखो ध्यान दें भाई चौथे प्रश्न को देखो यहां पर भी देखो थोड़ा सा बदला है थोड़ा सा यहां भी हर प्रश्न को थोड़ा ना थोड़ा तो बदल दिया गया है यहां पर देखो ये आपका थोड़ा सा बदला हुआ प्रश्न लग रहा है ये है चौथा नंबर का प्रश्न देखो ध्यान दें इसमें जो समीकरण दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं कि पांच बटे में दिया है एक्स माइनस में एक और यहां पर प्लस का निशान लगा के एक बटे में लिखा है, है एक बटे में लिखा है बाई माइनस में दो और बराबर का निशान इसके बाद दो लिखा है पहला समीकरण हो गया दूसरा समीकरण बता दो छ बटे में एक्स माइनस एक लिखा है और फिर इसके बाद माइनस में तीन बटे में लिखा है बाई माइनस दो इसके बाद बराबर एक ठीक है ये हमारा दूसरा समीकरण है इसको भी अब हमें रैखिक बनाना है भाई रैखिक तो है नहीं बटे में एक्स है समझो रैखिक नहीं है हमें रैखिक पहले बनाना है तो रैखिक बनाना है तो इसको हमें क्या करना है इसको हम मान लेते हैं यू और इसको हम मान लेते हैं वी देखो यहां पर ऐसा लिखे कि अगर हम ऐसा मान लें कि एक बटे में x माइनस एक है उसको u मान लें और एक बटे में y माइनस दो है उसको हम v मान लें ध्यान से समझो हमने ऊपर तो देखो एक मान सकते हो ना एक तो ऊपर लिख सकते हो ये हमारा पांच लिखा है देखो ये तो पांच है और यहां ऊपर हम एक मान सकते हैं तो पांच इंटू एक बटे ऐसा लिख सकते कि नहीं पांच इंटू एक बटे एक्स माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं यहां पर चलो यहां देखो पहले वाले समीकरण को देखो यहां बदल के लिख ले ये हमारा लिखा है पांच और इंटू में एक बटे एक्स माइनस वन ऐसा इसको लिख दें और इस पूरे को हमने यू माना है तो बस इसको सीधा डायरेक्ट यहीं पर इसको हम यू लिख देते हैं प्लस का निशान लगा दो यहां पर एक बटे में बाई माइनस दो पूरा हमारा वी है इसको हमने वी माना है बराबर का निशान और हमें दो लिखना है ये हमारा अब नया नंबर तीसरा डाल देते तीसरा नंबर ठीक इसके बाद देखो यहां पर आ जाओ इसको भी बिल्कुल वैसे ही बदलना है ये हमारा लिखा है छे एक बटे एक्स माइनस वन इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो तो ये है और एक बटे में ये हमारा ये एक बटे एक्स माइनस वन लिख सकते हैं जिसको हमें यहां पर u लिखना है इसको क्या लिख दें u तो ये हो देगा छू और इसके बाद ये माइनस का निशान लगाओ तीन तो लिखा ही लिखा है और एक बटे में एक बटे में इसको लिखोगे v डायरेक्ट लिख दिया कोई दिक्कत नहीं तीन तो हमारा ठीक है और एक बटी में इतना देखो ये हमने बी माना है एक बटी में बाई माइनस टू को हमने बी लिख लिया और बराबर का निशान लगाएं एक हम ज्यों का त्यों लिख हैं तो अब ये चौथा नंबर हो गया ठीक है यहां पर ये समीकरण देखो बढ़िया से रेखिक बन गए कि नहीं किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं एकदम बढ़िया से इनको आप हल कर सकते हो विलोपन विधि से एक ही विधि याद रखो बिलोपन से करना है तो इसको हम देखो तीन से मल्टीप्लाई कर दें तीन से मल्टीप्लाई इसलिए कि भैया यहां पर तीन से है तो इसमें भी तीन का गुणा करना पड़ेगा है ना तो हम लिख देते हैं समीकरण तीन में तीन का गुणा करने पर यहां लिख दें समीकरण तीन में तीन का गुणा करने पर ठीक है तीन का गुणा यहां करोगे तीन का गुणा पांच में पंद्रह यू लिखना है तीन का गुणा तीन बी लिखना है तीन का गुणा दो में छ लिखना है और इस पर एक नया नंबर डाल देते हैं पांच यहां इसके नीचे आपको ये चौथा वाला लिखना है जिससे यहां देखो लिखा है माइनस तीन बी लिखा है बराबर में एक और बस इनको दोनों को जोड़ दें क्योंकि चिन्ह तो विपरीत दिखाई दे रहे हैं चिन्ह यहां पर प्लस माइनस है ना विपरीत है तो जोड़ना पड़ता है बस इनको जोड़ने से देखो वी वाला पद ये कैंसिल हो रहा है अब यहां पर देखो इन दोनों को जोड़ो तो पंद्रह और इक्कीस यू मिल जाएगा बराबर में यहां छ और एक सात मिलेगा अब बताओ यू का मान निकालोगे इक्कीस से भाग करना होगा यू बराबर हो जाएगा सात बटे इक्काईस सात बटे इक्कीस का मतलब सात एक हम सात सात या इक्कीस यू बराबर एक बटे तीन हो गया यू का मान कितना हो गया चलो आगे लिख देते हैं यू बराबर एक बटे तीन ये देखो हमने यू निकाल लिया अब हमें क्या करना है जब यू का मान मिल जा मिल गया अब हमें इसके आगे क्या करना है इसके आगे अब हमें v का मान भी ज्ञात करना है तो u बराबर एक बटी तीन इन दोनों समीकरणों में से कहीं रख दें ठीक है तो u का मान कितना है u बराबर है एक बटी तीन जिसको हम समीकरण तीन में लिख दें समीकरण तीन में रखने पर ठीक है u का मान एक बटी तीन कहा रखोगे समीकरण तीन में इसमें रख दें तो देखो पांच हमारा ठीक है पांच ज्यो का त्यों लिखें यू और यू को हम एक बटे तीन लिख दें फिर प्लस वी हमारा का त्यों बराबर दो का त्यों ठीक है पांच एकम पांच और ये पांच बटे में तीन प्लस में वी बराबर में दो बस वी का मान निकालो यहां से दो माइनस पांच बटे तीन ठीक है यहां से पांच बटे तीन इधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा तो अब आगे देखो वी का मान कितना निकल रहा है वी का मान यहां पर देखो तीन एलसीएम आ गया तीन 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 दूनी छह माइनस का पांच मतलब v का मान एक बटे में तीन ठीक है v का मान हमने निकाला एक बटे तीन और u का मान एक बटी तीन दोनों के मान एक बटी तीन है कोई बात नहीं बना दो। u और v दोनों के मान एक बटे तीन है यहां लिख देते हैं u बराबर हमने निकाला है एक बटे तीन क्योंकि u का मान एक बटे तीन है अब u का मान असली वाला रखो यू का असली मान एक बटे एक्स माइनस एक है यू का असली मान एक बटे एक्स माइनस एक है बराबर एक बटे तीन लिखे यहां पर क्रॉस गुणा करेंगे तो x माइनस एक का गुणा एक में बराबर एक का तीन में गुणा तीन एक तीन। माइनस का एक में जोड़ जाएगा एक जोड़ो तो भाई x का मान चार मिल जाएगा ये हमने देखो x का मान निकाल लिया अब बस यहां से हम v का मान भी निकाल सकते हैं v का मान कितना है यहां लिखें तथा v बराबर है हमारे पास एक बटे तीन v का मान हमें यहाँ पर हमने माना है एक बटे बाई माइनस दो एक बटे बाई माइनस दो लिख दें v का मान बराबर एक बटे तीन जो कहते हो क्रॉस गुणा करें तो वाई माइनस दो बराबर तीन एकम तीन और बाई का मान यहाँ से तीन प्लस दो माइनस का है ना इधर जाएगा प्लस का दो तो बस बाई का मान यहाँ से दो को पांच मिल रहा है बाई बराबर पांच एक्स बराबर चार ये इस समीकरण का अभीष्ट हल है ये हमसे पूछा गया है एक्स बराबर चार लिखोगे बाई बराबर पांच ठीक है बच्चों सिंपल सारे प्रश्न एकदम सिंपल हैं बस केवल इनको रेखेक बनाओ समझो उत्तर पाओ कुछ भी नहीं करना ठीक है क्लियर बात है जल्दी से नोट करें आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे आपके पास अब नंबर आता है प्रश्न का पांचवा ठीक है ना चौथा था अब पांचवा नंबर देखो पांचवा प्रश्न क्या है देखो ध्यान दें ये पांचवा प्रश्न देखो भाई देखिए यहां पर पांचवें प्रश्न में लिखा हुआ है कि दो समीकरण दिए गए हैं बिल्कुल उसी प्रकार से है ना पहले प्रश्न का पांचवा भाग है ये इसमें हमसे कहता है कि एक समीकरण है सात एक्स माइनस में इधर है दो बाई और बटे में यहां लिखा है एक्स इंटू बाई और यहां पर बराबर में लिखा है पांच ये तो आपका पहला समीकरण है इसके बाद दूसरा समीकरण दिया गया है आठ एक्स प्लस में है सात बाई और बटे में यहां लिखा है एक्स इंटू बाई और बराबर में यहां लिखा है पंद्रह क्या लिखा है पंद्रह ये हो गया दूसरा समीकरण आप एक बार ध्यान से अगर देखो एक बात बिल्कुल एकदम ध्यान से देखो यहां पर दो प्रश्न इकट्ठे लिख रहे हैं इनका आप कंपेयरिंग करके देखो तो आपको बिल्कुल एक ही सवाल लगेगा बिल्कुल छ एक्स प्लस तीन बाई और यहां बराबर में लिखा है छ एक्स इंटू बाई और यहां दूसरा समीकरण लिखा है दो एक्स प्लस चार बाई बराबर में लिखा है पांच एक्स इंटू बाई यहां पर ये यह पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन बच्चों यहां दो प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न अगर देखो तो बिल्कुल एक जैसे हैं यहां पर आप इनकी शकल और इनकी शकल में फर्क तो दिख रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं इसको देखो ध्यान से ऐसे बदल दे इस x इंटू बाई वाला पद है ना x इंटू बाई जो लिखा है अगर यहां गुड़ा में है तो इधर भेजो तो भाग में आएगा कि नहीं यहां पर छीन बाई है यहां से x इंटू बाई का भाग कर दें तब बराबर इधर क्या बचेगा यहां पर देखो बचेगा बिल्कुल देखो सकल एक जैसी लगने लगी कि नहीं बिल्कुल एकदम एक जैसी एक्स इंटू बाई ब एक जैसी सकल है कि नहीं बिल्कुल ठीक इसकी भी देखो ऐसे बदल दो भाई इसकी भी शकल बदल दो x इंटू बाई यहाँ पर है गुणा में तो इधर ले आओगे तो भाग में आ जाएगा दो एक्स प्लस में चार बाई और बटे में लिख दें x इंटू बाई और बराबर में इधर पांच यहां पर देखो ये जो आपके समीकरण है ना ये दोनों समीकरण बिल्कुल इस रूप में बदल गए तो बच्चों अगर इस प्रश्न को आप हल कर सकते हो तो समझो फिर इस प्रश्न को भी हल कर सकते हो बिल्कुल ठीक है कन्फर्म बात है तो इनको देखो इसको हम हल कर रहे हैं इसको आप करोगे बिल्कुल ठीक है इसको देखो कैसे करना है यहाँ पर आप देखो ध्यान से तो जो पहला वाला समीकरण थोड़ा ऐसा बदले कि जो सात एक्स लिखा ना ये सात एक्स इसमें बटे में है एक्स इंटू बाई यहां माइनस दो बाई में है एक्स इंटू बाई अब बराबर पांच लिख दें मतलब एक्स इंटू बाई से इन दोनों पदों में अलग अलग हमने भाग दे दिया सात एक्स बटे एक्स इंटू बाई और माइनस में दो बाई बटे में भी एक्स इंटू बाई मतलब दोनों पदों में अलग अलग भाग कर दिया अब आप देख सकते हो यहाँ एक्स वाला ये एक्स से कैंसिल हो जाएगा यहाँ बाई भी बाई से कैंसिल हो जाएगी तो यहां से हमें इस प्रकार से देखो तो सात बटे बाई माइनस दो बटे एक्स और बराबर में पांच ध्यान से समझो तो ये हमारा जो पहला इक्वेशन था इसको हमने इस प्रकार से बदल लिया और इसका हमने एक नया नंबर डाल दिया तीन ठीक है बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इस दूसरे वाले समीकरण को भी हम बदल सकते हैं यहां देखिए इसको भी बदल दें बिल्कुल सिमिलर इसी वे में बदलेंगे आठ एक्स लिखा है हम आठ एक्स का यहां एक्स इंटू बाई से भाग करेंगे इसी प्रकार प्लस और बिल्कुल ठीक सात बाई लिखा है इसमें भी हम एक्स इंटू बाई से भाग करेंगे और बराबर में आगे पंद्रह लिखा है ये आपको जो का त्यों रखना है अब देखिए एक्स वाला पद खत्म बाई वाला पद खत्म तो इस प्रकार से आगे हमें आठ बटे बाई प्लस यहाँ सात बटे एक्स और बराबर में पंद्रह मिलेगा ये इस पर हम एक और नया नंबर डालेंगे चार ठीक है अब आप देख सकते हो ये दोनों समीकरण अभी अभी थोड़ी देर पहले जो प्रश्न मिले थे बिल्कुल वैसे ही हैं है, है कि नहीं है हमने बताया बच्चों इस प्रश्न को भी आपको करना है बिल्कुल एकदम आसान तरीका है इस वाले में क्या करें बच्चों एक लाइन में आगे इसको भी करते चलते हैं देखो ध्यान दें छ एक्स है बटे में लिखना है छ एक्स बटे में लिखना है एक्स इंटू बाई भाई एक्स एक्स एक एक कैंसिल करोगे प्लस का निशान लगाओ तीन बाई और बटे में लिखना है एक्स इंटू बाई तो अब बाई बाई कैंसिल करोगे और बराबर में क्या लिखा है छ तो ये हमारा समीकरण बनेगा छ बटे में एक्स प्लस तीन बटे में सॉरी 6 बटे में बाई प्लस तीन बटे में एक्स बराबर में बिल्कुल देखो ऐसा ही तो है ये बिल्कुल एकदम सिमिलर बनेगा एकदम सिमिलर इसी प्रकार इसको भी बदलना है यहां पर x इंटू बाई से भाग करोगे x x कट जाएगा दो बटे बाई होगा इसमें भाग करोगे बाई बाई कट जाएगा चार बटे एक्स होगा बराबर में पांच तो बिल्कुल एकदम सेम तरीका से आपको यहां भी दो इक्वेशन मिलेंगे ठीक है इसको अब आप करोगे हम यहां से इसको रब कर लेते हैं ठीक है ये आपके लिए होमवर्क हो गया देखो इसका जो बचा हुआ भाग है उसको कंप्लीट करेंगे इसको कंप्लीट करेंगे कैसे करोगे बिल्कुल वही तरीका कि भाई इसको रैखिक बनाओ पहले यही तो है ना तरीका रैखिक बनाना है तो अगर रैखिक बनाना है उसके लिए हमें पता है जो बटे में एक्स और बटे में जो बाई लिखे उनको हम यू भी मान लेते हैं बस इतना काम है एक बटे एक्स को हम यू मान लें एक बटे ले। बाई को हम वी मान लें ऐसा कर लेते हैं यहां लिख दें माना क्या लिखेंगे माना एक बटे एक्स इसको यू मान लें एक बटे एक्स को क्या मान लें एक बटे एक्स को हम यू मान लें ठीक है यू लिख दें और एक बटे बाई को हम वी लिख दें ठीक है एक बटे बाई को क्या लिख दें वी ठीक इसके बाद देखो ध्यान दें यहां पर इस तरीके से अगर कर दें तो अब इन मानों को यहां रख देखो एक ये है देखो आठ बटे में बाई यान से समझो ये आठ बटे बाई है ना तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं आठ एकम आठ बटे में बाई तो आठ बटे बाई को हम आठ इंटू एक बटे बाई लिख सकते हैं और एक बटे बाई को हमने देखो वी माना है तो यहां पर हम आठ वी लिख लेते हैं फिर प्लस का निशान देखो ये था ना थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इस इसमें रखना है इस वाले में रखना है है ना तो सात सात इंटू एक बटे बाई लिखना है सात एकम सात सात बटे बाई को लिखना है सात बटे बाई को क्या लिखना है सात इंटू एक बटे बाई और एक बटे बाई को हमने माना है वी तो इसको हम सात लिख लें फिर माइनस का निशान लगाओ और इसको हम दो बटे में एक्स लिख लें देखो दो बटे एक्स के मतलब दो इंटू एक बटे एक्स और एक बटे एक्स को हम यहाँ क्या लिखेंगे u लिख दें इसको u लिख दें और बराबर में पांच लिख दें देखो अब हमारा ये समीकरण रैखिक बन गया इसका एक और नंबर नया डाल लें पांचवा ठीक है रैखिक बन गया कि नहीं अब अगर ये रैखिक बन गया तो भाई इसको भी रैखिक बनाना पड़ेगा बस सोई काम हमारा बिल्कुल एकदम फिट हो जाएगा आठ इंटू एक बटे बाई देखो इसको लिख दें आठ बटे बाई को क्या लिख दें आठ बटे जो बाई लिखा है इसको हम आठ इंटू एक बटे बाई लिख सकते हैं और ये एक बटे बाई जो है उसको हमें v लिखना है चलो v लिख देते हैं प्लस सात इंटू एक बटे एक्स लिख लें सात बटे एक्स को क्या लिख दें सात इंटू एक बटे एक्स और एक बटे एक्स को हम यहां पर u लिखेंगे बराबर का निशान लगाओ पंद्रह हम जो का हो लिख दें इस पर एक और नया नंबर यहां डाल लें अब बच्चों ये रैखिक बन गई अब रैखिक बन गए अब मेरे ख्याल से इनको कर सकते हो अब आगे अगर हम ना करें तो अभी आप कर सकते हो कैसे u बराबर कर लें अथवा v बराबर कर लें अगर u बराबर करना है तो ऊपर आपको सात का गुणा करना पड़ेगा नीचे आपको दो का गुणा करना पड़ेगा u बराबर हो जाएगा बस जोड़ोगे तो u कैंसिल हो जाएगा v का मान ज्ञात हो जाएगा अब आपको करना है कर सकते बड़े हो बड़े आराम से ठीक है v का मान ज्ञात हो जाएगा v का मान इन दोनों में से कहीं भी रखोगे तो फिर v का मान लिखोगे तो u का मान मिल जाएगा अब u और b के मान हमें पता है ना u और b के मान क्या पता है u का मान हमें रखना है कहां है भाई u का मान लिखना है एक बटे एक्स <coughs> और v का मान लिखना है एक बटे बाई ठीक है इनको हम रखेंगे और इस तरीके से हम x और y के मान ज्ञात कर सकेंगे तो ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न और इसी के साथ साथ में छठवा प्रश्न दोनों प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं ठीक है बच्चों कर भी सकते हो बाय द किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हमने बताया कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अथवा कक्षागढ़ अच्छा इंस्टाग्राम पर जाकर के मैसेज से हमें बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है हम आपका सॉल्यूशन भेजेंगे इसकी गारंटी ठीक है अगर आपको कोई समस्या लग रही है तो आगे बढ़े चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सातवें पर ठीक है सातवां प्रश्न क्या है देखो ध्यान दें देखिए सातवा प्रश्न ये है हमारे पास सातवा प्रश्न पहले प्रश्न का सातवा भाग है ठीक है देखो भाई यहां लिखा है दस बटे में पहला समीकरण है दस बटे में एक्स प्लस बाई और यहां पर है प्लस में दो बटे में एक्स माइनस बाई और बराबर में यहां लिखा है चार ये हो गया आपका पहला समीकरण इसके बाद दूसरा समीकरण दिया गया है पंद्रह बटे में x प्लस बाई और यहां पर माइनस में पांच बटे में एक्स माइनस बाई और बराबर में माइनस का दो ये हमारा दूसरा समीकरण दिया गया है तो इस तरीके से दो समीकरण दिए गए हैं बस इनको पहले रैखिक बनाना है और फिर इसके बाद इनको हल करना है रैखिक बनाने के लिए जो बटे में लिखा है ना एक बटे देखो तो इसको ऐसा मान लेते हैं एक बटे एक्स प्लस बाई जो है उसको यू मान लें और एक बटे एक्स माइनस बाई है इसको हम भी मान लें ठीक है बस इन मानों को यहाँ रखेंगे देखो रैखिक बन जाएगा एकदम आसान है बिल्कुल आसान देखो ध्यान दें दस लिखा है इंटू एक बटे एक्स प्लस, प्लस बाईस देखो ऐसा लिख दे दस तो ठीक है और यहाँ पर एक बटे एक्स प्लस बाईस को लिख दें और इसको हमने यू मान लिया है तो बस इसी को यहीं पर यू लिख देते हैं दस यू हो जाएगा फिर प्लस का निशान लगा दो यहां देखो दो, दो इंटू एक बटे एक्स माइनस बाईस को लिख दें और इसको हमने वी माना है तो बस इसको वी लिख दें इसको भी लिख दें बराबर का निशान चार हमारा जीव कहते हैं उस पर हम तीसरा नंबर डाल देते हैं ठीक है एक रैखिक समीकरण सुंदर सा बन गया इसी प्रकार बिल्कुल दूसरे वाले समीकरण का भी हम रैखिक समीकरण बना सकते हैं कैसे देखो ध्यान दें यहां लिखा है पंद्रह इंटू एक बटे एक्स प्लस बाई इसको ऐसे लिख दें पंद्रह एकम पंद्रह पंद्रह बटे एक्स प्लस बाई को कैसे लिख दें पंद्रह इंटू एक बटे एक्स प्लस बाई लिख दें और इसको हमने यू मान लिया है तो भाई हम इसको पंद्रह यू लिखेंगे फिर माइनस का निशान लगाएं और यहाँ पर देखो पांच एक बटे एक्स माइनस बाई को भी मान लें तो इसको हम भी लिख दें और बराबर में माइनस तो तो अच्छा तो दो चौथा नंबर हो गया अब बच्चों यहाँ पर दो समीकरण बन गए इनको हमें दोनों को हल करके यू और वी के मान पहले ज्ञात करना है फिर इसके बाद में हम x और y में कन्वर्ट करेंगे चलो इस पर विलोपन विधि कर देते हैं ऊपर वाले में पांच का गुणा कर दे और यहाँ नीचे वाले में दो का गुणा कर दे वी बराबर हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं कर देते हैं देखो ध्यान दे पांच का गुणा इसमें पांच का इसमें पांच का इसमें करो पांच का गुणा यहाँ पर पचास हो जाएगा पांच नहीं पचास यू प्लस का निशान लगाओ पांच दूनी दस वी बराबर का निशान लगाओ पांचों को बीस लिख दें ठीक है यहां पर दो का गुणा करो तीस पंद्रह दूनी तीस यू लिखो माइनस पांच का दो में गुणा दस वी लिख दें बराबर माइनस का चार लिखेंगे ये देखो इन दोनों समीकरणों को क्या कर दें जोड़ दें क्योंकि चिन्ह तो विपरीत है भाई प्लस माइनस है ना कट जाएगा जोड़ने पर बिल्कुल सही है तो इनको दोनों को जोड़ोगे पचास तीस अस्सी यू बराबर में यहां देखो इन दोनों को जोड़ने का मतलब चार घट जाएगा आपको सोलह लिखना पड़ेगा ठीक है कि नहीं बीस में से चार घटा के सोलह लिखना है बस u का मान निकालोगे तो u बराबर सोलह बटे में अस्सी लिखोगे सोलह एक सोलह सोलह पंचे अस्सी मतलब u बराबर एक बटे पांच हमने देखो निकाल लिया ठीक है बच्चों क्लियर बात है u का मान एक बटे पांच निकाल लिया तो अब हम u के मान को इन दोनों समीकरणों में से कहीं रखेंगे तो हमें v का मान ज्ञात हो जाएगा चलो लिख देते हैं u बराबर एक बटे पांच समीकरण तीन में लिख दें समीकरण तीन में रखने पर ठीक है चलो रख के देख लेते हैं देखो हमारा दस तो बिल्कुल ठीक लिखा है अब दस इंटू यू यू का मतलब एक बटे पांच फिर प्लस दो वी जो का त्यों बराबर में चार जो का त्यों क्लियर पांच एकम पांच पांच दूनी दस दो बार कैंसिल हो जाएगा इस दो को हम इधर ले जाएंगे तो यहां से देखो दो वी बराबर में चार माइनस का दो लिखना है प्लस दो है ना इधर ले जाओगे माइनस दो और यहां से दो वी बराबर यहां दो मिलेगा चार में से दो घटाओ दो मिलेगा ठीक है यहां से देखो v बराबर दो बटे दो बटे दो, दो, दो मतलब कितना लिखना है दो बटे दो मतलब एक लिखना है v का मान देखो एक गया v बराबर एक ठीक है v का मान एक है u का मान एक बटे पांच है अब u और v के मानों को हमें रख देना है जो हमने माना है ना वो रखो यहां पर लिख दें क्योंकि यहां पर हमने u का मान तो निकाला है एक बटे पांच अब देखो u का मान u है कितना u हमने माना है एक बटे एक्स प्लस बाई तो u का मान लिख दें एक बटे एक्स प्लस बाई बराबर हमारा ज्यों का त्यों एक बटे पांच भी हमने ज्यों का त्यों रखना है बस क्रॉस गुणा कर दें तो यहां से देखो एक्स प्लस और बराबर में एक का पांच में गुणा पांच कर लें देखो एक सुंदर सा एक नया समीकरण डाल देते हैं इस पर पांच नंबर डाल दें पांच नंबर ठीक है यहां पर एक्स प्लस वाई बराबर पांच एक समीकरण यहां पर रैखिक समीकरण दिखाई दे रहा है ये रैखिक समीकरण फिर बन गया इसके बाद यहां पर वी का मान जो है ना उसको भी रख दें तथा यहां लिखें वी बराबर है कितना वी बराबर है एक अब v का मान लिख दो v का मान है एक बटे एक्स माइनस बाई एक बटे एक्स माइनस बाई इधर एक एक बटे एक लिख लो क्रॉस गुणा कर दो x माइनस बाई बराबर एक लिख दें ये इस पर हम पांचवे के बाद छठवा नंबर डाल दें ठीक है बस इन दोनों समीकरणों को अब हल करोगे तब x और y का मान ज्ञात होगा बहुत आसान है भाई जोड़ दो दोनों प्लस और ये माइनस यहां से बाई बाई कैंसिल हो जाएगा एक्स एक्स दो एक्स बराबर पांच और एक समीकरणों को दोनों को जोड़ोगे तो x ये बाई वाला पद कैंसिल हो जाएगा लिख दें कौन कौन समीकरण है पांचवा और छठवा समीकरण पांच प्लस छ के योग करने से क्या मिल जाएगा बाई बाई खत्म x x जोड़ोगे टू एक्स बराबर यहां देखो पांच और एक तो यहां पर लिखना है x बराबर में बटे में दो मतलब तीन यहां से आपको x का मान देखो तीन मिल रहा है ठीक है x का मान तीन मिल रहा है अब इस x की मान को आप इनमें इनमें कहीं भी रख सकते हो x का मान अगर पांच में रख दें, x बराबर तीन समीकरण कहां रखें पांच में x का मान समीकरण पांच में रखने पर तो रख देते हैं हम x का मान लिखो तीन प्लस बाई ज्यों का त्यों बराबर पांच त्यों एक्स का मान लिख दिया तीन प्लस बाई हमारा ज्यो ले जाओगे तो बाई का मान हो जाएगा पांच माइनस तीन मतलब दो लिखना है बाई का मान दो है एक्स का मान तीन है यही इसका आंसर है ठीक है हो गया ना एकदम फिनिश कोई किसी को डाउट नहीं आगे यहां पर एक प्रश्न और बचा है इस पहले वाले प्रश्न के जो आपके आठ भाग थे उसमें से ये एक प्रश्न और बचा है इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ठीक है इसको जल्दी से नोट करें ठीक है आगे बढ़ जाए इसके बाद देखो जो आठवां प्रश्न है उसको देखो आठवां प्रश्न क्या है बच्चों ध्यान से समझो ये हमारे पास जो आठवां प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है देखो ये एक दो तीन आठवां प्रश्न है पहले भाग का आठवां है ना पहले प्रश्न का आठवां भाग है इसमें देखो लिखे हैं समीकरण दो और वो पहला समीकरण है एक बटे में दो ब्रैकेट में तीन एक्स प्लस बाई ठीक है बहुत ठीक है प्लस का निशान और इधर एक बटे में तीन एक्स माइनस बाई और यहां पर बराबर में लिखा है तीन बटे में चार यहाँ देखो पहला समीकरण है ये ठीक है पहला समीकरण है इसके बाद देखो दूसरा समीकरण कैसे करना है यहां दूसरा समीकरण लिखा हुआ है एक बटे में यहां पर बच्चों गलत हो गया ना यहाँ पर दो का गुणा नहीं है तीन एक्स प्लस बाई इतना है एक बटे तीन एक्स प्लस बाई प्लस एक बटे तीन एक्स माइनस बाई तीन बटे चार दूसरा समीकरण है एक बटे में यहां पर है दो तीन एक्स प्लस बाई है ना दो इंटू तीन एक्स प्लस बाई माइनस में है एक बटी में दो इंटू ब्रैकेट में तीन एक्स माइनस बाई और इधर बराबर का निशान लगाओ माइनस एक बटी आठ लिखोगे ये दूसरा समीकरण है ठीक है इस तरीके से ये आपका दो प्रश्न यहां पर दिए गए ठीक है बिल्कुल एकदम ठीक है बिल्कुल एकदम ठीक है कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीका से पहले हमने कहा रेखिक बनाना है इसके बाद सोचना है कुछ पहले रैखिक तो बनाना ही बनाना है देखो ध्यान दें चलो यहां पर मान लेते हैं कि एक बटे में तीन एक्स प्लस जो बाई लिखा है ये पूरा इस पूरे को हम यू मान लें इस पूरे को हम वी मान लें तो एक बटे में तीन एक्स माइनस बाई को वी मान लें ठीक है अब देखो ध्यान दें इस पूरे को हमने माना है कितना पहले वाले इक्वेशन को बदल के यहां करोगे इस पूरे को हमने यू माना है प्लस का निशान लगाओ इस पूरे को हमने वी माना है बराबर का निशान तीन बटे चार हमारा ज्यों का त्यों इस पर हम तीन नंबर डाल दें देखो रैखिक बन गया इसको भी रैखिक बनाओ इसको भी बनाओ देखो यहां पर देखो एक बटे दो लिखा है फिर इसको हमने u माना है तो आपको लिखना है एक बटे दो यू क्या लिखना है एक बटे दो यू फिर माइनस इसमें भी देखो एक बटे दो और यहां पर एक बटे इसको हमने v माना है तो आपको एक बटे दो वी लिखना है बराबर यहां देखो माइनस का एक बटे आठ झोंका त्यू इस पर हम चार नंबर डाल दें यहां इसको थोड़ा सा और हल करें ना ये बटे में दो लिखा है तो हम ऐसा करते हैं दो का गुणा कर दे बटे खत्म हो जाएगा एकदम ठीक इसी जैसा समीकरण बन जाएगा तो यहां से क्या कर दें ध्यान से समझो इस वाले समीकरण को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं इस पर नया नंबर तब डालें थोड़ा हल कर लें तो दो का इसमें गुणा कर देते हैं देखो दो का जैसे ही गुणा करोगे इसमें दो का गुणा करोगे दो से दो कट जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा यू मिल जाएगा दो का गुणा करोगे दो से दो कट जाएगा तो हमें यहां पर v मिल जाएगा दो का यहां गुणा करोगे तो एक बटे चार मिल यहां पर माइनस एक बटे चार लिख दें इस पर हम चलो नंबर अगला डालें ठीक ये समीकरण ये एक ही बात है समझो जो बटे में दो लिखा था ना उस पूरे समीकरण में हमने दो का गुणा कर दिया तो बटे वाला दो खत्म बटे वाला दो खत्म यहां भी दो बटे में समझो खत्म क्योंकि यहां एक बटे आठ था ना एक बटे चार ही तो रह गया दो का गुणा करने से ये एक बटे चार रह गया ठीक है तो पूरे समीकरण में हमने इसमें दो का गुणा कर दिया ये ऐसा करने से देखो बिल्कुल एकदम आसान तरीका हो गया कि भाई U और B दोनों के गुणांक समान हो गए समझो जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो यहां पर देखो इस समीकरण को इसके नीचे रख दें तीसरे वाले को और यहां लिख दें U प्लस बी और बराबर में यहां तीन बटे में चार ठीक है ये तीसरा वाला है इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ दिया जाए अगर जोड़ दिया जाए देखो वी वी कैंसिल हो जाएगा माइनस का बी प्लस का भी अब यू और यू जोड़ो भाई दो यू हो जाएगा बराबर का निशान लगाओ यहां देखो माइनस एक बटे चार में आपको तीन बटे चार जोड़ना है बच्चों यहां से देखो दो यू बराबर में यहां देख सकते हो चार तो एल्शियम आ गया एक माइनस का तीन प्लस का माइनस का एक प्लस का तीन तो यहां देखो आगे देखते दो यू बराबर तीन प्लस का है एक माइनस का है तो यहां बचेगा दो और बटे में चार ठीक है कि नहीं बिल्कुल सही है आप देखो आपको यहां दो हटाना है तो दो से भाग करना पड़ेगा यू बराबर दो बटे चार लिखा है दो से और भाग कर दो ये वाला दो भाग में आएगा दो से दो आप कैंसिल कर सकते हो एक बार आपको यू का मान एक बटे चार जाएगा ठीक है u बराबर एक बटे चार मिल गया u का मान हमें मिल गया अब u के मान को हम यहां पर तीसरे नंबर में अथवा यहां देखो ये चौथे नंबर में कहीं भी रख सकते हो लिख दें u का मान u का मान कहां रखें तीसरे नंबर में रख देते हैं समीकरण तीन में रखने पर रखो भाई यहां रख देते हैं देखो यहां पर रखो u का मान कितना एक बटे चार रखना है प्लस v हमारा ज्यू का त्यों रहेगा बराबर में इधर कर दो भाई तीन बटे चार बताओ ठीक है अब एक बटे चार को इधर भेज दो तो v का मान मिल जाएगा v बराबर तीन बटे चार माइनस एक बटे चार और यहां से देखो v बराबर चार एल्सियम आ जाएगा तीन में से एक घटाओगे तो दो मिलेगा और दो से ये आपका एक बटे दो हो जाएगा ठीक है इतनी बात ठीक है v का मान एक बटे चार है और ये सॉरी v का मान एक बटे दो है और ये यू का मान एक बटे चार है अब अब अपनी जगह पर आ जाओ भाई यू का मान कितना है यू हमने किसको माना है यू हमने माना है एक बटे तीन एक्स प्लस बाई को एक बटे तीन एक्स प्लस बाई को इसको हमने यू माना है और वी किसको माना है वी माना है एक बटे तीन एक्स माइनस बाई को तो अब आपको यहां पर फिर से देखो इन समीकरणों को लिखना है देखो यहां लिख दें चूंकि यू का मान हमारे पास है एक बटे चार अब यू बराबर हम लिख देते हैं एक बटे में तीन एक्स प्लस बाई यहां पर तो देखो यू बराबर एक बटे तीन एक्स प्लस वाई यू का मान लिख एक बटे तीन एक्स प्लस बराबर एक बटे चार लिखोगे क्रॉस गुणा करेंगे यहां एक का गुणा करोगे तो तीन एक्स प्लस वाई बराबर में चार लिखो यहां पर एक नया समीकरण डाल लेते हैं यहां पर पांचवा नंबर डाल ठीक है इसके बाद देखो वी का मान कितना है वी के मान को भी रख दे वी बराबर है एक बटे दो और v का मान यहां रख देते हैं देखो v का मान कितना है एक बटे तीन एक्स माइनस बाई तो यहां लिखना है एक बटे तीन एक्स माइनस बाई और बराबर लिखना है एक बटी में दो फिर वही क्रॉस गुणा करोगे तो तीन एक्स माइनस बाई ब दो एकम दो और यहां पर इस समीकरण को हम छठवां नंबर डाल लें अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करके एक्स बाई का मान मिल जाएगा रैखिक समीकरण मिल गए ना यहां देखो यहां देखो रैखिक है इन दोनों को अब हल करना है आपको देखो इसी के नीचे आपको यह लिख देना है तीन एक्स प्लस बाई और बराबर में चार ठीक है इन दोनों को अब जोड़ दो जोड़ने से देखो माइनस का बाई प्लस का बाई ये कैंसिल हो जाएगा यहां लिख दें जोड़ने पर और यहां से देखो तीन एक्स तीन एक्स जोड़ोगे तो छक्स मिलेगा बराबर दो और चार जोड़ोगे छह मिलेगा यहां से एक्स का मान बटे में छ मतलब एक एक्स बराबर बच्चों एक मिल गया यहां से अब इसका हल देखो एक हल मिला एक्स का मान मिल गया अब बाई का मान कैसे करना है एक्स का मान यहां पर चाहे इस समीकरण में रख दो और चाहे आगे वाले छठ में, में रख दो एक्स का मान समीकरण इसमें लिख दें पांच में पांच में, में।, में रखने पर चलो यहां रख देते हैं देखो तीन एक्स का मान लिखोगे एक तीन हो गया x का मान एक लिखना है प्लस बाई हमें ज्यो का त्यों रखना है और बराबर में चार को भी का त्यों रखना है यहां देखो प्लस का तीन एकम तीन ही तो हुआ तीन इधर ले जाओ तो बाई बराबर हो जाएगा चार माइनस तीन अर्थात बाई का मान भी देखो एक मिलेगा बाई बराबर एक एक्स बराबर एक इस समीकरण का हल होगा बच्चों कोई किसी को डाउट हो तो बताओ एक्स का मान एक बाई का मान एक ठीक है क्लियर एकदम फिनिश यहां पर ये आपका देखो जो पहला प्रश्न था उसमें आठ प्रश्न थे बड़ा प्रश्न था समझो बड़ा प्रश्न था बच्चों जो आठ प्रश्न इसमें थे और उम्मीद है कि आठों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ठीक है अगले प्रश्न में तीन आपके कुछ इबारती प्रश्न हैं हाँ ठीक है इबारती प्रश्न तीन दिए गए हैं ठीक है जो प्रॉब्लम वाले प्रश्न हैं उनको आपको पढ़ना है पहले उनकी प्रॉब्लम समझना है फिर उसको समीकरणों में बनाना है रैखिक समीकरणों में बनाना है और फिर इसके बाद में हमें किसी भी बीज गढ़ती से हल करना ठीक है तो पहले इतना कंप्लीट कर लो और फिर इसके बाद अब दूसरे वाले क्वेश्चन की बारी आती है जो दूसरे प्रश्न है उनको देखेंगे ठीक है जल्दी से नोट करें